हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। गाइस, आजकल काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा तबीयत सही नहीं है। वैसे आप लोगों को पता है, जो लोग हमेशा जो मेरा वीडियो देखते हैं उनको पता है क्योंकि आजकल टीवी से ग्रसित हूँ। और आज संडे है, वैसे तो आज खाली है रोड। आजकल मेरा डेली टेस्ट चलता है ECG का, क्योंकि जब तक मैं ECG का टेस्ट नहीं करा लेता हूँ तब तक डॉक्टर टेबलेट खाने का परमिशन नहीं देते हैं मेरे को। तो अभी जस्ट सुबह का 8 बज रहा है और अभी यहाँ से रूम जाके तो नाश्ता करके मेरे को टेस्ट कराने जाना है। उसके बाद डॉक्टर के पास व्हाट्सअप करना है जो रिपोर्ट आएगा उस रिपोर्ट को। उसके बाद डॉक्टर मेरे को परमिशन देगा कि हाँ, आप टेबलेट जो दवा है वो खा सकते हो, बिना परमिशन का दवा नहीं खा सकता। तो ये सारी चीज़ें TB में है। वैसे आप लोगों को तो पता ही है मुझे TB हुआ है, MDR TB, जो बहुत ही ख़तरनाक है। तो गाइस, फाइनली ECG टेस्ट हो गया है और रिपोर्ट भी आ गया है। काफ़ी टाइम लग गया, 1.5 घंटा लग गया। और ये देख सकते हैं आप लोग वीडियो में देख सकते हो कैसा होता है ECG का रिपोर्ट, वो आप लोग देख सकते हो। और अभी चलते हैं सीधे रूम, और अभी मैं तुरंत अपने डॉक्टर के पास व्हाट्सअप कर दिया हूँ। अभी तक तो रिप्लाई आया नहीं मेरे को, अभी टेबलेट खाना है कि नहीं। काफ़ी समय हो गया है, 12 बजे टेबलेट खाने का टाइम है और अभी 2 बज गया है। तो काफ़ी डॉक्टर नाराज़ होंगे क्योंकि जब भी ऐसा कुछ गलत करते हो तो डॉक्टर मुझे बहुत डांटते हैं। कभी कभी गलती हो जाता है, लेकिन मुझसे हमेशा ही गलती हो जाता है। इतना डॉक्टर के समझाने के बावजूद भी गलती हो जाता है, हमेशा मुझे डांटते हैं। 10 बजे ECG टेस्ट होना चाहिए और 11 बजे के अंदर मेरे पास रिपोर्ट आना चाहिए, बट आज 2 बज गया है और अभी तक सर रिपोर्ट देखे नहीं है। रिपोर्ट देखने के बाद मैसेज पर रिप्लाई देंगे और बताएंगे क्या करना है, अभी तक देखे नहीं। और ये तो मेरा काम है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी तबीयत ख़राब हो जाए, मैं ब्लॉगिंग कभी नहीं छोड़ सकता।
चाहे 10 साल लग जाए ग्रो करने में, बट मैं कभी ब्लॉगिंग नहीं छोड़ सकता। और अभी मैं पैदल जा रहा हूँ रूम, और बारिश आने की संभावना है और बादल है चारों साइड, देख सकते हो। अभी तक मैंने खाना नहीं खाया और 2 बज गए और 12 बजे खाना खाने का टाइम है, और 12 बजे खाना खाने के बाद दवा लेने का टाइम है, बट आज 2 बज गया है। बहुत ही ज़्यादा डॉक्टर नाराज़ होंगे, फर्स्ट टाइम मुझे 10 बजे बुलाया था दवा के लिए और मैं 1 बजे गया था, तब मुझे बहुत सुनाया था और ये सब तू खा पाएगा कि नहीं, क्योंकि एक साथ 15 गोली और 20 गोली खाना पड़ता है, तो ये सब रिस्क चीज़ है, रिस्क की चीज़ें हैं, तो थोड़ा खड़े हो जाते हो। और टीबी में ऐसा है कि कभी खाना कम नहीं होना चाहिए, विदाउट टाइम कभी नहीं होना चाहिए खाने में, है ना, दवा हमेशा सही टाइम से लेना चाहिए, बट हमेशा मुझे लेट हो जाता है। चलो चलते हैं और देखते हैं। आज गाइस 2:30 बज गया है और अभी भाजी मार्केट में हूँ, भाजी ले लेता हूँ कुछ और अभी खाना बनाऊँगा, उसके बाद 1-2 घंटा आराम करूँगा, उसके बाद फिर नाइट में ड्यूटी, तो यही चलता रहता है मेरा। तो चलो भाजी ले लेते हैं और चलते हैं सीधा रूम और फिर नाइट में ड्यूटी चलते हैं, क्या बोलते हैं। अरे भाजी दुकान बंद हो गया क्या? अरे यार सब बंद हो गया, सुबह के टाइम में सब खुला रहता है, अभी सारी चीज़ बंद हो गया। वैसे बीन्स वगैरह है सब बंद हो गया, भाजी मार्केट ये देख सकते हो, अभी शाम के टाइम में खुलेगा। मटर है भैया? मटर है क्या? मटर नहीं है, सब बंद हो गया भाई। और वीडियो मैंने एंड नहीं किया था दिन में और अभी वीडियो एंड कर रहा हूँ, और जैसे कि आप लोगों ने देखा आज ECG का टेस्ट करवाया, रिपोर्ट भी आ गया, सारी चीज़ आ गया। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ ड्यूटी और मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया था दिन में, और आज काफ़ी दिन निकल गया मेरा चेकअप कराने में, टेस्ट कराने में ECG का, और अभी बस यही है। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड वीडियो को शेयर करें। अगर आपको ऐसा लगता है लाइक शेयर करना चाहिए तो, क्योंकि मैं ज़बरदस्त नहीं कह सकता आप लोगों को, गाइस मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा यहाँ पे जलन हो रही है इसलिए। तो बस आज की वीडियो बस यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कितना भी तबीयत ख़राब रहे वीडियो बनाना कभी नहीं छोड़ूंगा, बट आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो यार, प्लीज़ सपोर्ट किया करो।